वही चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धा पूरे उत्साह के साथ कुलांचे भर रही है। यात्रा के श्री गणेश को अभी 9 दिन हुए ही हैं और 5.5 लाख श्रद्धालु चारधाम में मत्था टेक चुके हैं। विशेष बात यह है कि इस बार शुरुआती 9 दिन में चारधाम पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या गत वर्ष से लगभग 75% अधिक है। इसकी एक वजह अनुकूल मौसम भी है। वही कपाट खुलने के बाद से चारों धाम में खास वर्षा या बर्फबारी नहीं हुई है, जिसका प्रभाव यात्रा पर पड़े। सबसे अधिक उत्साह बाबा केदार के दर्शन के लिए देखा जा रहा है। इसी गति से यात्रा चली तो गत वर्ष का कीर्तिमान टूटने की पूरी उम्मीद है। वही चारों धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा ने गति पकड़ ली है। यातायात व्यवस्था की चुनौतियों के बीच भी यात्रा को लेकर श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह है। बता दें, शनिवार तक 5,55,436 श्रद्धालु चार धाम पहुंचे। आज चारधाम यात्रा का केदारनाथ धाम के कपाट खुले हुए 10वां दिन है 2024 की चारधाम यात्रा का। और इस अवसर पर मैं स्वयं आज सुबह आया था यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने, और इस बार अप्रत्याशित अभी तक भीड़ आई है श्रद्धालुओं की, और डेली लगभग 30,000 से भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये यहाँ पर जो भी मंदिर की सारी व्यवस्था से जुड़ी हुई सारी एजेंसीज हैं, चाहे वो बद्री केदार मंदिर समिति हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो, हमारा NDRF हो, SDRF हो, ITBP है, और जितने भी स्वास्थ्य विभाग है, पर्यटन विभाग है, सूचना विभाग है, उनकी सारी टीम जिस तरह से तालमेल के साथ काम कर रही है, मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से सरकार के सभी अंग मिलकर जब काम करते हैं तो एक अच्छे बड़े कार्य को अंजाम देते हैं। और आने वाले दिनों में भीड़ के दबाव को देखते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ किया जाए और यात्रियों के लिए हम और बेहतर व्यवस्था दे सकें।